नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर हम बात कर रहे हैं हमारे देश के हीरो मेजर जनरल जीडी बख्शी जी की। जैसा कि आप जानते हैं कि मेजर जनरल जीडी बख्शी जी का बहुत मान सम्मान है। वे टीवी डिबेट में भी आते हैं, पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रखी हैं उन्होंने। और जब वो सेना में थे, जब वो इस देश की सेना में कार्यरत थे, तो भारतीय सेना की तरफ से वे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया करते थे। पाकिस्तान उस समय भी थर थर कांपता था, लेकिन अब जब वो सेना में नहीं है, टायर्ड हैं, तो न्यूज टीवी डिबेट में भी पाकिस्तान उनसे थर थर कांपता है और उनसे डिबेट करने की मजाकत नहीं करता है, क्योंकि मेजर बख्शी ने कई बार पाकिस्तान को धूल चटाई है। और कारगिल युद्ध के समय भी उन्होंने एक पूरी बटालियन को कमांड किया था। वे एक हीरो हैं, वार हीरो हैं। उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं, उन्हें कई तरीके के वीरता पुरस्कार भी मिले हैं, उनका मान सम्मान है। लेकिन 19 अप्रैल को ऐसा हुआ जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। 19 अप्रैल को असर में मेजर बख्शी कहीं जाने के लिए फ्लाइट का इस्तेमाल कर रहे थे, और वह फ्लाइट थी विस्तारा एयरलाइंस। विस्तारा एयरलाइंस की फ्लाइट में जैसे ही उन्होंने अपनी सीट ग्रहण करी, वहां पर जो है दो एयर होस्टेस आ गईं। उन दो एयर होस्टेस ने मान सम्मान करते हुए मेजर बख्शी का उनके साथ फोटो खिंचवाई, वह फोटो खिंचवाई। और इसके साथ ही जो है विस्तारा एयरलाइंस ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर यह फोटो ट्वीट की और वहां पर लिखा कि ऑनरेबल मेजर बख्शी, और उन्हें मान सम्मान दिया, उन्हें वार हीरो बताया और उनका बहुत ही ज्यादा सत्कार किया और अपने ट्वीट की गरिमा बढ़ाई। लेकिन यह बात चुभ गई लिबरल गैंग को, टुकड़े टुकड़े गैंग को। उन लोगों ने इस जो है विस्तारा एयरलाइंस की ट्वीट और मेजर बख्शी की फोटो के नीचे जो है अपशब्द करना चालू कर दिया, ट्रोल करना चालू कर दिया, वाद विवाद डिबेट करना चालू कर दिया और इतनी ज्यादा भसड़ मचा दी कि फाइनली 21 अप्रैल 2019 को, मतलब दो दिन बाद, विस्तारा एयरलाइंस को यह ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। जैसे ही यह ट्वीट डिलीट हुआ ऑनरेबल मेजर बख्शी वाला, तो भारत की देशभक्त जो है सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनमें आग लग गई और उन लोगों ने बॉयकॉट करना चालू कर दिया विस्तारा एयरलाइंस का। देशभक्त यूजर्स ने यह फैसला किया कि वे कभी भी जीवन में विस्तारा एयरलाइंस का जो है उपयोग नहीं करेंगे। हालांकि जब तक विस्तारा एयरलाइंस माफ़ी नहीं मांग लेता और उस ट्वीट को, उस फोटो को दोबारा ट्वीट नहीं कर देता। असल में दिक्कत या चिड़ इस चीज़ से नहीं थी कि विस्तारा एयरलाइंस ने मेजर बख्शी के ऑनरेबल ट्वीट वाला जो है ट्वीट डिलीट किया। दिक्कत इस चीज़ से थी कि लिबरल और टुकड़े टुकड़े गैंग के दबाव में आकर डिलीट किया, बात ये थी। तो जब यह जो है ट्रेंड बॉयकॉट विस्तारा टॉप पे चला गया, टॉप ट्रेंड पे रहा, तब यह एहसास हुआ विस्तारा एयरलाइंस को और उन्होंने इसका जो है खामियाजा भुगतते हुए इन्होंने एक मैसेज दिया। वह मैसेज क्या था आप देख लीजिए। उस मैसेज में साफ साफ विस्तारा एयरलाइंस ने यह कहा कि जो मेजर बख्शी हैं वे अभी भी सम्मानीय हैं, ऑनरेबल हैं, लेकिन हमने उनकी फ़ोटो डिलीट नहीं की थी। उस फोटो के नीचे भद्दे कमेंट थे, ट्रोल्स था, बहुत अपशब्द कहे गए थे, उन्हें डिलीट करने के लिए हमें पोस्ट डिलीट करनी पड़ी, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि उन कमेंट्स की वजह से किसी को परेशानी हो। फाइनली हमें पोस्ट डिलीट करनी पड़ी, और वैसे भी कमेंट डिलीट होते नहीं हैं, कमेंट वही डिलीट कर सकता है जिसने कमेंट किया है, और जिस टुकड़े टुकड़े और लिबरल गैंग ने कमेंट किया था वे तो डिलीट करते नहीं। फाइनली विस्तारा को पूरी पोस्ट डिलीट करनी पड़ी, जिसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी, ठीक है। लेकिन बात वही है, भक्त तो अपनी जगह कायम है। अब विस्तारा एयरलाइंस जब इस फोटो को दोबारा से ट्वीट करेगा, तब हम सोचेंगे कि जो अपना बॉयकॉट विस्तारा करने का फैसला है वो वापस लेने का है कि नहीं लेने का है, क्योंकि मेजर बख्शी के मान सम्मान में एक विस्तारा तो क्या, कई विस्तारा जो है वो हम नकार सकते हैं, हम जो है धुतकार सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, कई एयरलाइंस का हम जो है ऐसी हवे में जो है उड़ा सकते हैं। तो फाइनली बात यही हुई कि अभी तक उन्होंने ट्वीट नहीं किया है। दोस्तों, इस विषय में आपका क्या कहना है, ये आप कमेंट बॉक्स बताते हुए जाइएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा, और मेजर बख्शी के लिए आपके दिलों में कितना सम्मान है वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कमेंट में आपका बताना और मेजर बख्शी के लिए सम्मान प्रकट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे कमेंट में भी लिबरल और टुकड़े टुकड़े गैंग आके अब शब्द कहेंगे, इसीलिए आप कायम रहना, अडिग रहना। अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।